TCS Tech Education. आज दोस्तों मैं आपको टैली में सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, पहले मैं टैली को ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए, टैली आपके सामने ओपन हो रही है। यहां से मैं अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये MICS लिमिटेड, ये मेरी कंपनी है, इसको मैंने एंटर करके ओपन कर लिया। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर। उसके लिए हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में पहले हम F11 प्रेस करेंगे और इन्वेंटरी फीचर्स में जाकर ये जो ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला ऑप्शन है, ये इनको यस कर देंगे। इनेबल परचेज एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको हम यस करेंगे, और इसके नीचे वाला सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको भी हम यस कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। जैसे ही हम इसको सेव करके बाहर आएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर वाउचर ट्रांजैक्शन के अंदर एक नया ऑप्शन आ गया, ऑर्डर वाउचर्स। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से ऑर्डर वाउचर में एंटर करेंगे तो ये देखिए ऑर्डर वाउचर सेल्स ऑर्डर खुल गया है। और परचेज ऑर्डर के लिए ऑल्ट F4 हमारी शॉर्टकट है और सेल्स के लिए ऑल्ट के साथ F5। और अकाउंटिंग वाउचर में जाके भी आप इसमें काम कर सकते हैं। जैसे आप नीचे अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं। ये देखिए ऑर्डर वाउचर्स, ठीक है ना। आप इस पर क्लिक करेंगे ऑर्डर वाउचर में तो सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर हाईलाइट होने लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहले परचेज ऑर्डर क्या होता है, जब हम किसी से कोई सामान खरीदने जाते हैं और उसके पास में एट प्रेजेंट नहीं अनेबल होता तो हम उसको ऑर्डर दे देते हैं कि आप हमें इस डेट पे इतना सामान पहुंचा दीजिएगा, तो उसकी एंट्री होती है परचेज ऑर्डर में। तो पहले हम ऑर्डर वाउचर्स में जा रहे हैं और पहले हम परचेज ऑर्डर की एंट्री पास करेंगे। परचेज ऑर्डर की शॉर्टकट की आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट हो रही है ऑल्ट के साथ में F4। मैंने ऑल्ट F4 प्रेस किया है, ये देखिए। अब पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी हमारी वही है जो हमारा क्रेडिटर है, राहुल क्रेडिटर, ये देखिए। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट नेम ऑफ आइटम ले लेते हैं हम, सैमसंग गुरु का हम ऑर्डर दे देते हैं इसको। एक दो आइटम हम नई बना लेते हैं, जैसे कि मेरी ये कंपनी पुरानी बनी हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे एक आइटम बना ली ऑल्ट सी से, नोकिया की, नोकिया आशा, ठीक है। और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो एक विंडो खुल के आ रही है, इसका क्या मतलब है, ड्यू ऑन, वो कह रहा है कि आपको कब चाहिए। जैसे 1 जुलाई डेट पड़ी है, मैंने इससे कहा कि मुझे आप 10 दिन बाद दीजिएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 डेज, या फिर हम डेट भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने डेट डाल दी यहाँ पे 10 जुलाई, 10 जुलाई 2019, ठीक है। यानी कि मेरा ऑर्डर तो 1 जुलाई को दिया गया है, लेकिन मुझे जो वो सामान देगा, यानी कि ऑर्डर दिया मैंने उसको, तो 10 जुलाई में मुझे देगा। कितने पीस लेगा, पीस हम डाल देते हैं, जैसे मैंने कहा मुझे 25 पीस चाहिए। और कितने रुपए के हिसाब में परचेज करेगा वो, 2500 रुपये के हिसाब से, ठीक। इसी तरह हम एक दूसरी आइटम ले लेते हैं, नोकिया आशा हो गई। अब मैंने एक लेज़र और बना लिया यहाँ पे एक आइटम का, अब बना सेम वही आ गया, इसको भी मैं ड्यू ऑन 10 जुलाई डाल देती हूँ यहाँ पे। सॉरी, क्वांटिटी नहीं डाली, इसके मैं 15 पीस मंगवा लेती हूँ, एक पीस लगभग 3000 रुपये का। GST भी लगा देते हैं, और ये जो हमारा क्रिएटर है ये अदर स्टेट का है, तो हम IGST लगाएंगे यहाँ पे, और अगर आप ही के स्टेट का होता तो हम यहाँ पे सीधा लगा देते। ये देखिए, ये हमने इसको परचेज ऑर्डर दे दिया है। पेज अप करके देख लेते हैं, इसका बिल हम देख सकते हैं। उसी तरह सेम प्रोसेस, ऑल्ट पी प्रेस करेंगे और यस कर देंगे। ये देखिए, ये परचेज ऑर्डर का बिल है, ठीक है ना। कितने का बिल है आपका, 1,20,875 रुपीज, ये आपका विद GST है इसका बिल।
एस्केप की से बाहर आ जाते हैं, ये हमारा क्या है परचेज ऑर्डर है। हम डिस्प्ले में जाके चेक कर लेते हैं हमने किस किस को क्या क्या ऑर्डर दिया है। तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है पहले, ये देखिए डिस्प्ले में, और यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे, इन्वेंट्री बुक्स के नीचे, ये देखिए यहाँ पर एंट्री प्रेस करेंगे, और हम परचेज ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग्स में जाएंगे, ये देखिए नोकी आशा का देखना है तो नोकी आशा पे एंटर करिए, वो दिखा रहा है आपने 25 पीस का ऑर्डर दिया है, और एंटर प्रेस करेंगे, राहुल क्रिएटर को दिया है आपने, और ये आपको सारी की सारी डिटेल दिखा रहा है कि कितने रुपए का आपका हो रहा है, और ऊपर देखिए ये भी दिखा रहा है आपको कि आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया इसका, और ये आइटम नोकी आशा है आपका, यहाँ पे डेट भी दिखा रहा है, नेम ऑफ पार्टी में राहुल क्रिएटर दिखा रहा है, ऑर्डर नंबर आपका 1 है, और 1 जुलाई 2019 को आपने ऑर्डर दिया है इसको, और जब ड्यू ऑन ओवर ड्यू मतलब ये आपको डिलीवर्ड कब करेगा, 10 जुलाई 2019 को। एस्केप की से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह आप नोकिया S2 की भी डिटेल देख सकते हैं, ये देखिए इसकी भी आपको पूरी डिटेल हाईलाइट होगी कि आप। अब फ्रेंड्स हमें जो हमने परचेज का ऑर्डर दिया था, अब हमारी जो पार्टी है वो हमको गुड सप्लाई करेगी, तो हमें परचेज की एंट्री पास करनी है। हम परचेज वाउचर खोलेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे आप अपने कीबोर्ड से, जैसे ही आप F9 की प्रेस करेंगे परचेज की विंडो खुल जाएगी परचेज वाउचर की, ये देखिए सप्लायर का इनवॉइस नंबर हम डाल देते हैं। यहाँ पे मैं डेट चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मेरा जो ऑर्डर है वो 10 जुलाई में होने वाला है, राहुल क्रिएटर दे रहा है हमको, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जैसे ही मैं उस मतलब जो मेरा क्रिएटर है उसका नाम सेलेक्ट करूंगी तो लिस्ट ऑफ ऑर्डर में वो ऑर्डर नंबर आ गया है मेरा जो मैंने 1 जुलाई को दिया था ऑर्डर नंबर 1। तो आपको यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका ऑर्डर नंबर 1 था, और आप ऑर्डर नंबर अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए जैसे ही मैंने ऑर्डर नंबर 1 लिया, नेम ऑफ आइटम अपने आप दिखा दिया और पीस भी दिखा दी, कितने पीस, GST वगैरह ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गई है। क्यों हो गई है दोस्तों, क्योंकि वो ऑर्डर नंबर हमें डालना जो है वो जरूरी होता है। ठीक फ्रेंड्स, इसी तरह अब मुझे सेल्स ऑर्डर करना है, ठीक है ना। अब मैंने खरीद तो लिया, अब जिसको मैंने खरीद मेरे को बेचना है वो भी मुझे ऑर्डर देके गया है सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया था ऑल्ट के साथ आप F5 प्रेस करेंगे तो सेल्स ऑर्डर की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं दिनेश डेप्टर को चूज कर लेती हूँ, और यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो मेरा ऑर्डर नंबर है इसको मैं चेंज करके 2 कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। उसका 1 था, इसको मैंने 2 कर लिया, सेल्स है, सेल्स अकाउंट हो गया। यहाँ पे मैंने किस चीज का ऑर्डर, वो मुझे किस चीज का ऑर्डर देके गया है जिसको मैंने लिया, तो इसने मुझे नोकी आशा के 20 पीस का ऑर्डर दिया है, और इसको कब डिलीवर्ड करना है मुझे, लगभग 12 दिन बाद। तो मैंने यहाँ पे डेट न डाल के इस बार लिख दिया 12 डेज, ठीक है, 12 दिन बाद। कितने पीस का ऑर्डर दिया इसने मुझे, 20 पीस का, कितने रुपए के हिसाब से, 2500 का मैंने खरीदा था, मैंने इसको 3500 रुपए का बेच दिया, ये देखिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर इसने मुझे नोकिया S2 का भी ऑर्डर दे दिया, नोकिया S2 का इसने मुझे लगभग 12 पीस का ऑर्डर दिया है, सॉरी यहाँ पे मुझे डेज डालने हैं कि मुझे ये डिलीवर्ड कब करना है, इसको 12 दिन बाद करना है। यहाँ पे भी मैंने इसको क्वांटिटी ले ली है 12 पीस, और ये मैंने लगभग इसको 4000 रुपये का ऑर्डर दे दिया। GST भी मैं इसमें चार्ज कर देती हूँ, ये मेरा डेप्टर भी इंटरेस्ट रेट है तो मैंने इसमें भी IGST लगाई है फ्रेंड्स। ये GST वगैरह मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ इसलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ। इसको भी जाके मैं डिस्प्ले में चेक कर लेती हूँ फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको भी परचेज ऑर्डर चेक करना बताया था सेम उसी तरह आप डिस्प्ले में जब जाएंगे और यहाँ पर स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, अब आपको जाना है सेल्स ऑर्डर में, ये देखिए स्टॉक में आप पता कर लीजिए, ये देखिए नोकी आशा के 20 पीस का, ये देखिए दिनेश डेप्टर ने दिया है आपको नेम ऑफ पार्टी में और ऑर्डर नंबर 2 दिखा रहा है ये, और ये 13 जुलाई को डिलीवर्ड होगा क्योंकि 12 दिन बाद का इशू है। अब फ्रेंड्स हमको क्या करना है, इसको अभी हमने इसका ऑर्डर तो ले लिया, अब हमने इसको बेचना है, तो बेचने के लिए वही सेम प्रोसेस है जैसे मैंने आपको परचेज ऑर्डर में बताया था। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेल्स की विंडो F8 प्रेस करना है, ये देखिए आ गया आपका, रेफरेंस नंबर डाल दीजिए आप कोई भी, और पार्टी अकाउंट नेम कौन है मेरा, दिनेश टैप्टर है, ये आ गया दिनेश टैप्टर। और यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने उसका नाम लिया तो लिस्ट ऑफ ऑर्डर में 2 आ गया, तो मुझे ऑर्डर नंबर अपना 2 ले लेना,
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक आ गया सारी चीजें अपने आप। उसने 20 पीस दिखा दिए, रेट दिखा दिया और आईजीएसटी वगैरह टैक्स वगैरह इंक्लूड करके सारी चीजें दिखा दी है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, कभी कभी जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी का ऑर्डर लेते हैं तो हमारे पास एट रेंडम जब स्टॉक नहीं होता तो हम उसका ऑर्डर ले लेते हैं या फिर उसको ऑर्डर दे देते हैं। तो यदि हम ऑर्डर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा परचेज ऑर्डर, और ऑर्डर लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर लेने के बाद में हम उसमें एक डेट मेंशन कर देते हैं या फिर अपना ड्यू डेट मेंशन कर देते हैं कि इस डेट तक आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर्ड हो जाएगा। तो बिल्कुल वो एज अ बिल ही होता है, बस हमको वो प्रूफ होता है कि इस तारीख को हमारा माल आ जाएगा, इसलिए हम सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर का यूज करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि कोई दिक्कत लगे इसमें तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं और अच्छे तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।